अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो यार अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये वाला काम भी स्टार्ट हो चुका है और आप देख सकते हैं ये वाला पिलर हमारा सेट हो गया है और दूसरा भी बन रहा है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, शायद ये आज सारे पिलर जो है ना ये कंप्लीट हो जाएंगे शायद। बाकी जो काम रहते हैं भाई, तुम तो अभी आए हो, मैं सुबह से बैठा हूँ यहाँ पे। भाई ने कहा या दो से तीन हो जाएंगे। अच्छा। वो भी पूरा जोर लगाना पड़ेगा क्योंकि ये बारीकी का काम है। देखो तो सही, गौर से तो देखो कितना छोटा छोटा बारीकी का डिजाइन है। अब माशाल्लाह टाइम लगता है, ऐसे नहीं बनता। तो यार यार ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, नेचुरल फील आएगी जब इसे देख भी रहा हूँ कि किस तरह का बनाना चाहिए और ये सब बहुत प्यारा है यार। बाकी हमारा जो फाउंटेन है ना वो यहाँ पर बनेगा। हमने ये वाली दीवार को ऊंचा कर दिया है और यहाँ पर बनने जा रहा है फाउंटेन। और कौन सा बनवा रहे हैं? हाँ एक मिनट, नहीं दिखाते यार कौन सा था जी, कौन सा था, किधर गया, किधर? वो शुरू में था यार, शुरू में से यहाँ से इंग्लिश उर्दू शुरू होती है यार। यहाँ पर था ये, ये ये वाला, ये वाला, ये 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 वाला बनवा रहे हैं यार हम फाउंटेन। यहाँ पर हम फिर अपनी मछलियाँ छोड़ेंगे, डक्स छोड़ेंगे, बड़ा मज़ा आएगा और बहुत प्यारा है ये। थोड़ा सा मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से, आपको ऐसे नज़र आएगा ये देखो, माशाल्लाह कितना प्यारा है। अपनी तरफ से भी हम थोड़ी एडिशन वगैरह या कुछ अपना में अंदर टच लाएंगे, बिल्कुल एज इट इज ऐसा नहीं बनवाएंगे, डिज़ाइन ऐसा रहेगा, कलरिंग वगैरह में हम देखेंगे। तो खैर इसको रख दो वापस। हाँ तो यार हमारी मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, देखें गर्मी बहुत ज़्यादा, सिर्फ यहीं बच गई हैं यार, बाकी तो हमारी बीमारी की वजह से मर गई हैं। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमारी मदर चिकन हैं बेचारी, वो भी यार रात को एक्सपायर हो गई है तो वो भी नहीं बची। इतना ख़तरनाक यार बीमारी आई है तो सारी मुर्गियाँ हमारी जिनको भी बीमारी लगी है नहीं बची। और मास्टर केज में मैंने देखा है कि कुछ चूजे भी हमारे और बीमार हुए पड़े हैं। ये देखिए दोस्तों, ये वाला भी बीमार हुआ पड़ा है और ये तीन जो ठहरे हुए हैं ना काले जो हमने बाहर से लिए थे, ये तीनों बीमार हैं, मतलब इधर भी बीमारी आ गई है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि यार इनको हम पकड़ के हम उधर ही शिफ्ट कर देते हैं, इन बंजे चिक्स को यार बीमारियां लग जाए। बहुत प्यारे होते जा रहे हैं देखें दोस्तों आप, तो इनको यार मैं खोना नहीं चाहता, जल्दी से हम यार सीधा इनको शिफ्ट करते हैं। गोल्डन चिक्स होते ही ऐसे हैं यार, बहुत नाजुक होते हैं, छोटी सी बीमारी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, गर्मी हो गई या कोई भी बीमारी होगी ना। ये उसके मुर्गी के चूजे यार, ये अभी तक तो चूजे, इनकी माँ तो मर गई है बेचारी, इनकी बेचारों की माँ मर गई है और ये अभी ठीक हैं यार, इनको कुछ नहीं हुआ अभी तक। ये अंडा भी निकालू, गंजी मुर्गी ने आज इधर ही अंडा दिया है यार, पता नहीं ये कूड़क कब होगी, बहुत अंडे दे दिए यार इसने, बस नहीं हुआ इसने, गर्मी है उसको पता है कि वैसे भी अंडों पे नहीं बैठना। मैंने पता क्या किया था, इधर जा रही थी बार बार अंडा देने के लिए, मैंने कहा इसकी आदत मैं अंदर की बनाता हूँ, इधर से ये दरवाज़ा बंद कर दिया, बाहर निकाला और इसको इधर जाके मैं ये वाला दरवाज़ा भी बंद कर दिया, फिर जाके इसने दे दिया अंदर। लक्की के बच्चे निकलने वाले हैं, अंडे उनके तोड़ रही थी ना, उनके ऊपर बैठ रही थी तो मैंने निकाल दिया था। तो यार शुक्र है यार, ये दो पिलर जो है ना ये बन चुके हैं, अब अगला काम शुरू हो गया हमारा किचन का। यहाँ पर देखें ये तो वुड स्टाइल में बनवा रहे हैं हम, और वो वाला जो है ना ये हम बनवा रहे हैं रॉक स्टाइल में, मतलब पत्थरों जैसा इनका टेक्सचर आएगा तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। हम सारा एक जैसा नहीं करवाना चाहते, डिफरेंट डिफरेंट अच्छा लगेगा। तो ये तो आहिस्ता आहिस्ता काम होते रहेंगे भाई, एक दो दिन का काम तो है नहीं, आपको पहले भी हमने बताया था, थोड़ा सा आपको भी सब्र करना पड़ेगा, हमें भी सब्र करना पड़ेगा, मेहनत वाला काम है, गर्मी ऊपर से होती है तो जितना भी हो रहा है ना ये भी गनीमत है। और हम पूरी कोशिश करा रहे हैं बहुत ज्यादा जल्दी काम हो जाए। और ये क्या कर रहा है भाई? हाँ इधर क्या हुआ, इसको क्यों पकड़ रहे हो? लकी कबूतर का पूंछ देखे, मैंने समझा था ये ठीक हो जाएगा खुद ब खुद, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, उसका सारा लाल लाल पूंछ अजीब लग रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि वाइट हो जाए यार, बेचारा गंदा लग रहा है ऐसे। अच्छा फिर कैसे कलर करोगे? इसकी पूंछ की कलें हटा देता हूँ मैं, हफ्ते के अंदर अंदर इसका नया पूंछ आ जाएगा। एक हफ्ते में नया पूंछ, जादू है क्या? हफ्ते के अंदर अंदर इसका तकरीबन दो दो इंच के पूंछ आ जाएगा, फिर शेप आ जाती है भाई उसकी, इतनी खूबसूरती है वो, उसको तुम खराब कर रहे हो, देखना कहाँ खूबसूरती है, ये क्या हो गया? अभी प्यारा लग रहा है लेकिन इसका पूंछ जो है ना इतना बड़ा पूंछ है, जब उसको निकालोगे
कैसा अजीब लगेगा वो, सोचो जरा सोचो। यहाँ पे पड़ोते वो नहीं खाते, अंदर अब तुमने और डाला ना वो खाने के लिए वो चले गए, ये क्या सीन होगा यार? वो फ्रेश है ना शायद इस वजह से, देखो सारे चले। फ्रेश क्या मतलब यार, दाना दाना होता है। चलो जी चले दोस्तों, ये हमारा लकी मेल है तो इसका पूंछ मैं अब हटाने वाला हूँ, और फिर एक हफ्ते बाद जैसे कि मैंने आपको बोला है कि आ जाएगा इसका असल वाला पूंछ। चले तो जब तक तुराप इसका पूंछ निकालते तब तक मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, वो ये है कि हमारे जो डायमंड का बच्चा था ना उसकी कंडीशन देखनी थी कि वो सही से बड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको सही से केयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम असल में रोज इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि यार फिर नजर भी लग जाती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारे सेटअप पे डायमंड का बच्चा आया था, इसलिए हम इग्नोर करते हैं कि कहीं नजर ना लग जाए हमारी अपनी। तो अभी इसमें बैठा हुआ है वो, तो अभी चेक करते हैं कि इसको इनक्यूबेट कहाँ कर रहा है। नजर आ गया मुझे, इनक्यूबेट तो कर रहा है मतलब इसकी सही केयर हो रही है। तो अभी ऊपर मोबाइल गिरता था अभी यार, पकड़ लिया मैंने तो मुझे मारने लगी थी यार उसकी माँ। ये है जी डायमंड टाइप का बच्चा, और अभी उतना ही है यार, दो दिन हो गए इसको, साइज ही नहीं बड़ा हुआ इसका। और तो आप इसको देखो, ये तो बड़ा ही नहीं हो रहा, पर फेंक दिया उसके तुमने। डायमंड का हाँ देखो, छोटा सा यार अभी तक, और अभी तक इसने आंखें भी नहीं खोली। इसका बच्चा है वो, तो इसी को वापस कर देते हैं हम। ये लो भाई शुक्रिया हमें दिखाने के लिए, ये हम पे भरोसा करने का शुक्रिया। चलो अच्छे से पालो इसको, ये तो डरता नहीं है यार मुझसे, इसको तो मैं उठा सकता हूँ अब फर्स्ट टाइम। ओ, ओ, ओ चला गया चला गया। ओए 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 ये क्या किया तुराप यार, ये तो तोते की तरह लग रहा है कसम से, उसके जैसे बच्चे थे ना वैसे कर दिया तुमने। अच्छा अब हल्का महसूस हो रहा है इसको, ये उड़ने भी लग गया, पहले उड़ता भी नहीं था ये। तो यार ये क्या किया तुराप तुमने यार, ये तो एक्सपेरिमेंट इसका था, मैं तो करता हूँ उल्टे वाले, इसने आज सीधे वाला किया मुझे लग रहा है जो। बाकी अगर कुछ हुआ ना इसको तो फिर छोड़ना नहीं, मैंने ना है फिर एक हफ्ते में आ जाएंगे देख लेना। अच्छा जी देख लेंगे। अच्छा वहाँ वो उसको समझ रहा है कि कोई और कबूतर उसके पीछे पड़ा हुआ है। वाह यार देखें, ये धोखा खा सकते हैं तो इसकी पार्टनर भी खा सकती है धोखा, कि भाई कौन है, हो सकता है ना। बिल्कुल हो सकता है। आ रहा ये देखो आगे, अब देखते हैं क्या होता है। तो मुझे लगता है यार ये दोनों एक दूसरे को पहचान रहे हैं, तो फिर भी देख रहे हैं हम कि क्या होता है आगे, लेट्स सी। तो नीचे आने तो डरबे में जाते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरह से ये रिएक्शन करते हैं डरबे में जब जाएंगे। ये कैसा लगेगा डरबे में, ये अंडों पर बैठेगा क्या? ये बैठ गया, अब देखते हैं प्रोटेक्ट करने आती है कि नहीं, चलें देखते हैं। अभी ये जा रही है उसके पास, तो देखते हैं इसको मारती है क्या करती है, पहचानती है नहीं पहचानती। चलो भाई चली गई चली गई, और कुछ भी नहीं कह रही भाई, पहचान लिया उसने कि ये मेरा पार्टनर ही है, ऐसी बात नहीं है, ये वफादार है वफादार है, ये बहुत मतलब समझने वाली है। पूछ आ जाएगा। बाकी ये जो तुमने किया था ना इसको लाल, तो ये तो मैं नहीं हटा सकता यार, इसको हटाओगे तो पूरा गंजा करना पड़ेगा इसको। खैर यार हमारा काम तो स्टार्ट हुआ पड़ा है, तो अभी गर्मी बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा गर्मी है कि आपको मैं क्या बताऊँ, बहुत ज्यादा गर्मी है। तो दुआ कीजिएगा कि बारिश हो जाए, बारिश हो नहीं रही, तकरीबन 5-6 महीने हो गए हमारे इलाके में बारिश ही नहीं हुई। तो खैर ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। हमारा इंशाल्लाह बहुत जल्द फाउंटेन भी स्टार्ट हो जाएगा बनना, और हमने यहाँ पर पौधे भी लगाने हैं, बहुत सारे परिंदे भी आने हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल शहर में जाए तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।